कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त पारिस राष्ट्रा। मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मैं आप लोगों को ले जाऊंगा अपने, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मैं इस वक्त जंगल में हूं। आज हम जाएंगे, जंगल को एक्सप्लोर करेंगे और ढूंढेंगे जंगली मशरूम को, जिसे हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है छतरी। सो आइए फिर चलते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर भी मशरूम उगे हुए हैं। एक बार मैं फोकस करता हूँ इस पर मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 यहाँ पर है, 8, 9 मशरूम यहाँ पर मिल रहे हैं। ओ ये तो 2 इकट्ठे ही आ गया। तो दोस्तों, जंगल में जो है, जो ये छतरी मैंने आपको दिखाई, इसके अलावा भी बहुत सी आजकल बहुत से कवक वगैरह उगे होते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं। पर ये लोग वैसे खाते नहीं है, इसको खाते नहीं है हम लोग क्या, कोई भी नहीं खाता है इसको, बिकॉज इनमें से कई जो है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी होता है, उनमें से काफ़ी हार्मफुल होता है, जिसमें पॉइजन वगैरह भी होता है। सो अगर फुल नॉलेज है इस चीज़ के बारे में तो तभी आप ये चीज़ें ट्राई करें, अदरवाइज़ इन चीज़ों को ट्राई ना करें। लाइक मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। यहाँ पर देखिए मुझे चलते चलते क्या मिला। यहाँ पर आगे पीछे से बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर जो है ये है एक गुफा जिसको बोलते हैं डॉन। इनमें रहता है, मजाक नहीं, इसमें वैसे स्नो लेपर्ड या कोई भी एनिमल रहते हैं। अभी तो फिलहाल ये खाली लग रही है मुझे, वैसे ये काफ़ी गहरी है अंदर तक, बस इसमें से कुछ निकले ना, आई होप सो। अगर कुछ निकला तो फिर मैं वैसे अपने पापा के साथ आया हूँ, पापा कुछ बोल रहे हैं, उन्हें कुछ मिला है, सो देखते हैं, पापा ही बताएंगे कि वो चीज़ क्या है। छिंचड़ू, ये इसे हम छिंचड़ू बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। हाँ, जैसे पापा ने बोला, इसे जो है हम भाषा में छिंचड़ू बोला जाता है। ये भी एक तरह का मशरूम है, इसे भी खाया जाता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये देखने में, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में, काफ़ी ज़्यादा इतने बड़े बड़े ये मशरूम उगे हुए हैं। बट ये मशरूम खाने लायक नहीं है, सो आप इन्हें बिल्कुल ना खाएं। वैसे इसका डिज़ाइन देखिए, ये कितना अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है इसका, वैसे कई खुजली। हाँ जी, घूम रहा हूँ जंगल में, देखते हैं कि कितने एक मशरूम मिल पाते हैं। सो वैसे जो ये मशरूम है, ये नेचुरल तरीके से ही जंगलों में उगता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। बहुत से छोटा सा मशरूम दिख रहा है, इस मशरूम को हम लोग बोलते हैं बाकटू पहाड़ी लैंग्वेज में। सो ये भी यहाँ पर देखें आप इसको। इस वक्त मैं बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे खड़ा हूँ, यहाँ पर चढ़ाई पे मैं खड़ा हूँ, और ऐसी चढ़ाई पे चल के मैं आप लोगों के लिए आज का ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ। सो प्लीज़ थोड़ी सी तो मेहनत की कदर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने सजेशंस दें। जो मैं जो जंगल में आया था अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पापा मम्मी के साथ। सो हम लोगों ने आज लगभग इतनी छतरी ढूंढी है। सो ये होने वाला है आज हमारा डिनर शाम का, तो इसके रिगार्डिंग, इसकी छतरी का टेस्ट किस तरह का होता है, वो उसके रिगार्डिंग भी मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊँगा, बना करके दिखाऊँगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।